दोस्तों पबजी गेम आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, खेला भी होगा और काफी हद तक हमारे सामने आता है कि पबजी गेम और जो सिंगल शूटर्स जो गेम है उनको खेलने के जो काफी नुकसान सामने आए हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहां मैं आपके साथ शेयर करूं कि पबजी और जो सिंगल शूटर जो गेम है उनको खेलने के क्या फायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखने सुनने में काफी थोड़ा ही अजीब लगा कि पबजी गेम के क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पबजी गेम के कुछ फायदों के बारे में। तो आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ पबजी गेम के कुछ फायदों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु जी। दोस्तों गेम पबजी हो या कोई भी 2D गेम हो, कोई भी अदर गेम हो, अति किसी भी चीज की गलत हो सकती है, लेकिन अगर एक लिमिट टाइम के अंदर अगर किसी गेम को हम प्ले करते हैं तो उसके कुछ फायदे हो सकते हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम पबजी गेम की बात करते हैं या कोई सिंगल शूटर गेम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका फायदा निकल के आता है वो ये आता है कि जो गेम खेलते हैं लोग उनकी जो आई साइट है वो काफी स्ट्रांग रहती है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ज्यादा मोबाइल चलाने से, स्क्रीन के सामने बैठने से, कंप्यूटर चलाने से आंखों पर आंखें की जो रोशनी है वो कमजोर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है मार्केट के अंदर। एक्चुअल के अंदर जो आंखों पर जोर आता है ये बात मानते हैं कि लगातार गेम खेलने से, चाहे वो पबजी गेम हो या कोई अदर गेम हो, अगर हम लगातार किसी गेम को प्ले कर रहे हैं तो आंखों पर जोर आ सकता है, लेकिन आंखों की रोशनी कम होना, आईसाइट कम होना, ये एक तरह से मार्केट में मिथ है। एक्चुअल में जो लोग एक लिमिट टाइम के अंदर गेम खेलते हैं उनकी आईसाइट स्ट्रांग होती है, उनकी जो अटेंशन होती है वो काफी स्ट्रांग रहती है। इसका ये कारण है कि गेम खेलते वक्त, जैसे कि आप पबजी की बात कर रहे हैं, तो अपने जो भी उसके अंदर मेंबर्स हैं उन पर नजर रखना, कोई एनिमी दिखने पर उसको शूट करना, गाड़ी चलाना, कार चलाना, तो वो काफी उसके अंदर यूं रहता है। तो आईसाइट को लेके पबजी गेम या फिर जो भी सिंगल शूटर गेम है उसके अंदर आईसाइट को लेके काफी एक कह सकते हैं कि आंखों की जो रोशनी है उस पर इफेक्ट ना पड़ के उल्टा उनकी जो आईसाइट है वो काफी स्ट्रांग होती है, उनकी जो अटेंशन है किसी भी चीज पर, कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर स्ट्रांग होती है। तो जो आंखों का जो कमजोर होना और ये जो हम मिथ सुनते हैं हमारे फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, कि पूरे दिन मोबाइल चलाने से या फिर कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखें कमजोर होती है, वो एक तरह की मिथ है। इसके पीछे 50-100 रीजन ऐसे होते हैं जो आंखों की रोशनी कमजोर करने में हमारे सामने आते हैं, लेकिन गेम खेलने से आंखों की रोशनी पर इतना जोर नहीं आता है, उल्टा आंखों की रोशनी जो है या आईसाइट जो है वो स्ट्रांग होती है। अगला जो फायदा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि जो ग्रे कलर है, एज के साथ साथ में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे अंदर जो ग्रे कलर होता है, जो हम नेचर के अंदर जो ग्रे कलर देखते हैं उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, लेकिन जो गेमर्स होते हैं उनके अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा होती है। वो ऐसा होता है क्योंकि जब गेम खेलते हैं तो डिफरेंट कलर के कलर्स देखने को मिलते हैं। सपोज जैसे पबजी गेम की बात करें तो कोई बिल्डिंग के अंदर कोई एनिमी छुपा हुआ बैठा है, उसको उन्हें शूट करना है, तो उनकी जो नजर है वो एक पॉइंट पे रहती है कि कब हमें कोई एनिमी दिखाई दे और हम उसे शूट करें। तो ग्रे कलर को लेके काफी कहते हैं कि एडिक्टिव होते हैं वो लोग, ग्रे कलर को काफी जल्दी पहचान पाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोहरा होता है सर्दियों के टाइम में तो उन्हें गाड़ी चलाने में और करने में बहुत ज्यादा आसानी रह पाती है। नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं पबजी गेम या कोई सिंगल शूटर गेम की, जो 3D शेप्स होती है उनको इमेजिन करने में, उनकी कह सकते हैं कि डिजाइन को एज्यूम करने में या फिर समझने के अंदर जो गेमर्स होते हैं और जो नॉन गेमर्स होते हैं उनके बीच अगर हम कंपेयर करते हैं, जो गेमर्स होते हैं वो इस चीज को जल्दी समझ पाते हैं 3D शेप्स को लेके, 3D शेप के अंदर वो जो 3D शेप है वो कैसे दिखेगी, कैसा उसका व्यू आएगा, इन सब चीजों को लेकर जो गेमर्स होते हैं वो काफी आगे चल रहे होते हैं नॉन गेमर्स की कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो पबजी गेम का या कोई सिंगल शूटर गेम का जो फायदा निकल के आता है वो ये आता है कि सर्जरी के अंदर जो डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं उसके अंदर भी, वो भी एक गेम की तरह ही है, आपके सामने एक बॉडी पड़ी है और आपको उसको टैकल करना है, उसके अंदर भी आपका मिशन यही है कि आपको उस बॉडी को ऑपरेशन करके ठीक करना है। तो जो गेमर्स जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर्स पहले गेमर रहे हैं या रेगुलर गेमिंग करते हैं, उनके नॉन गेमर्स के मुकाबले जो गेमर जो डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर गेम खेलते हैं वो उस सर्जरी के अंदर ज्यादा अच्छे से उस सर्जरी को कर पाते हैं नॉन गेमर्स के मुकाबले, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे वो गेम के अंदर अपने मिशन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाते हैं तो उनके अंदर एक इमेजिनेशन की एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि जल्द क्विक डिसीजन लेने की और की जो एबिलिटी है वो नॉन गेमर्स के मुकाबले उनके अंदर ज्यादा आ पाती है। तो ये यहाँ पर एक लिमिट के अंदर अगर हम किसी भी सिंगल शूटर गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फायदा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम फायदे की बात करें तो जो पायलट्स है, आप देखा होगा हेलीकॉप्टर या प्लेन के अंदर जो पायलट्स है उनके सामने बहुत सारे बटन्स होते हैं स्क्रीन के अंदर, तो अगर क्विक डिसीजन लेना हो कि एक साथ अगर 5-6 ऑपरेशन एक साथ करने हैं हमें, ऑपरेशन इन द सेंस बटन भी दबाना है, कोई गियर सेट भी करना है, हाँ कोई एक्सेलरेट करना है, ब्रेक करना है, तो वो सब चीजें जो पायलट है, जो गेमर पायलट है वो ज्यादा बेटर कर पाता है नॉन गेमर पायलट के मुकाबले, क्योंकि गेम के अंदर जो पायलट पहले गेम खेल चुका है या जो गेमिंग रेगुलर करता आया है एक मॉडरेट टाइम के अंदर,
तो वो अपने गेमिंग के दौरान जो जैसे उसके अंदर सपोज प्लेन चलाने का हो गया या दो तीन बटन्स को एक साथ उसके अंदर चलाने का हो गया, जो तो गेमर पायलट है वो जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेट कर पाता है नॉन गेमर पायलट के मुकाबले। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। अगर हम इसके नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं तो बेटर डिसीजन मेकिंग मिलती है हमें यहाँ पे। जो लोग गेमिंग कर रहे होते हैं या जो पबजी या अगर हम किसी गेम की बात करें, जो एक मॉडरेट टाइम के अंदर गेम को खेलते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो नॉन गेमर के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उन्हें क्विक डिसीजन गेम के अंदर लेना होता है। तो वही वो अपने रियल लाइफ के अंदर भी, रियल लाइफ को वो अपने रियल लाइफ के अंदर लगा के जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी जल्दी कर पाते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो जो इसका एक कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट जो एक बेनिफिट है वो है स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन स्कैनर एक इसका काफी बेटर ऑप्शन है। सपोज आपको कोई बुक रीड करनी है और उस बुक के अंदर आपको कोई एक एक वर्ड या फिर कोई एक फोटो आपको उसके अंदर सर्च करनी है, तो जो गेमर होगा ना वो उसको बहुत जल्दी एक ही साथ ही छान के देख पाएगा कि इसके अंदर वो वर्ड है या नहीं है, मुकाबले उसके की जो नॉन गेमर है। क्योंकि गेम जो लोग खेलते हैं उनको बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेना या फिर गेम खेलते खेलते नजर करना कि कहाँ पर कौन सा एनिमी है, कहाँ पर कौन सा मेरा टीम मेंबर खड़ा है, तो उनके अंदर एक स्क्रीन को स्कैन करने की जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है नॉन गेमर के मुकाबले। अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो जो गेमर होते हैं जो सिंगल शूटर रेसिंग वगैरह ये गेम खेलते हैं, वो कार चलाना बाइक चलाना ये सब एक नॉन गेमर के मुकाबले काफी जल्दी सीख पाते हैं। क्योंकि बाइक चलाना, स्पीड सेट करना, ब्रेक लगाना, कितना स्पीड देना है, कितनी ब्रेक लगानी है, वो सब वो गेम के अंदर हालांकि रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे, लेकिन गेम के अंदर वो इस चीज को कर चुके होते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर इतना उनके जो माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि उन्हें कैसे करना है। तो जो नॉन गेमर के मुकाबले जो गेमर्स है वो कार और बाइक चलाना काफी जल्दी सीखते हैं। दोस्तों ये थे कुछ पबजी गेम्स या फिर सिंगल शूटर्स के कुछ फायदे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये फायदे तभी हैं जब आप किसी भी गेम को एक मॉडरेट टाइम के अंदर खेलते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये देखा गया है कि पबजी गेम हो गया, जैसे कुछ टाइम पहले पोकेमोन गो गेम आया था या फिर एक ब्लू व्हेल गेम आया था, उन सबको लेके जो लोग बहुत ज्यादा इस गेम को एक्सट्रीम कंडीशन में खेलने लग जाते हैं रात भर, तो वहां पर इसके अंदर नुकसान की चीजें भी आ सकती है। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि मॉडरेट टाइम के अंदर अगर हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं तो हमारे माइंड को लेके, हमारी इंटरनली पर्सनैलिटी को लेके, क्विक डिसीजन को लेके, हमारे जो रियल लाइफ है उसके अंदर काफी बेनिफिट हमें देखे जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। पबजी गेम के मैंने आपके कुछ जो फायदे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।